नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जड़त्व अवगुण वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था वर्ताकार शक्ति के लिए जड़तो आवरण, वर्ताकार शक्ति के लिए जड़तो आवरण का मान हम लोग ज्ञात कर रहे थे। और सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो शक्ति अपने पास है, जैसे ये शक्ति मान करके चलें कि ये शक्ति है, ठीक है, जैसे ये शक्ति है और इस शक्ति के तल के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष अपने क्या कर चुके हैं, जड़त्व आवरण का मान ज्ञात कर चुके हैं। कैपिटल एम इसका कुल द्रव्यमान था। तो शक्ति के तल के लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आवरण हम लोगों ने ज्ञात किया था, वो कितना आया था, वो आया था आई इक्वल एम आर स्क्वेयर बटा दो। ये फर्स्ट फॉर्मूला अपने को प्राप्त हुआ था। ये कहाँ था, शक्ति के तल के लंबवत जड़त्व आवरण का मान था। दूसरा अपने इसके अंदर पढ़ते हैं वो आता है शक्ति के, जो अगला अपने पढ़ रहे हैं वो आता है शक्ति के तल के लंबवत, शक्ति के तल के लंबवत, शक्ति के तल के लंबवत स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष। हम लोग इसी शक्ति के लिए जड़त्व आवरण का मान ज्ञात कर रहे हैं, पर अब जो अपने पास में अक्ष है वो कहाँ है, वो शक्ति के तल के लंबवत है। देखिए ये जैसे शक्ति है तो ये तल के लंबवत इस तरीके से क्या है, इसके लंबवत है। तो केंद्र से गुजरने वाला तो ये हो गया और इसके समांतर, जैसे ये यदि इसके लंबवत है तो इसके समांतर ही आपको दूसरा लेना है जो कहाँ से होकर के गुजर रहा है, इसके स्पर्श रेखीय तल से, स्पर्श रेखीय जो इसकी अक्ष है उसके अनुदिश क्या करना है, स्पर्श रेखीय अक्ष जो है उसके सापेक्ष जड़त्व आवरण ज्ञात करना है। दूसरा ये जो अक्ष अपने बनाया है ये भी कहाँ है, ये भी तल के लंबवत है। जैसे ये शक्ति है अपने पास में और शक्ति के तल के लंबवत क्या है, ये दोनों अक्ष है, यानी तल के लंबवत अक्ष। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जड़त्व आवरण जो है वो डिपेंड इन्हीं पर करेगा, अपना घूर्णन अक्ष कौन सी जगह है, तल के लंबवत है, समांतर है, या किस तरीके से आप लोग ये ले रहे हो। जैसे यहाँ मैंने जो बनाया है ये कहा है, ये शक्ति के तल के लंबवत है। यदि तल के लंबवत अपने को ज्ञात करना होता तो हम लोग यहाँ लगाते समांतर अक्षों की प्रमेय, अपने लिखते समांतर अक्षों की प्रमेय से। तो समांतर अक्षों की प्रमेय अपने को बोलती है कि जो समांतर अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्व आवरण ज्ञात करना है। ये किसके बराबर होगा, एक तो जहाँ से होकर के द्रव्यमान के अंदर गुजर रहा है उसके, प्लस ये बराबर होता है एम डी स्क्वेयर के। ये समांतर अक्षों की प्रमेय हमारे पास में। अब इसे अपने इस डायग्राम पर यदि अप्लाई करें, ये समांतर अक्षों की प्रमेय इस डायग्राम पर यदि अप्लाई करें तो आपको ये जो समांतर अक्ष ए बी है इसके सापेक्ष जड़त्व आवरण ज्ञात करना है, ए बी, और जो अपने सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रहा है वो कौन सा अक्ष है, आई जेड जेड है, कौन सा अक्ष है, आई जेड जेड डैश है, प्लस कैपिटल एम, और इन दोनों के मध्य लंबवत दूरी, इन दोनों के मध्य लंबवत दूरी कितनी है, आर स्क्वेयर है। तो ये कितना बन जाता है, आई जेड जेड प्लस एम आर स्क्वेयर, यानी हम लोग लिखेंगे इसे आई ए बी इक्वल, ये मान कितना होता है, ये मान ये लिख रखा मैंने एम आर स्क्वेयर बटा दो प्लस एम आर स्क्वेयर, तो ये हमारे पास में बन जाता है तीन बटा दो एम आर स्क्वेयर। कितना बन जाएगा, तीन बटा दो एम आर स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को इसके अंदर याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला कि इसके लिए जड़त्व आवरण का मान कितना होता है, इसके लिए जड़त्व आवरण का मान है तीन बटा दो एम आर स्क्वेयर। ये अपने पास में दूसरा फॉर्मूला है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जड़त्व आवरण के जो फॉर्मूले आ रहे हैं, जो भी आपको सिद्ध करना होता है वो ज़्यादातर डिपेंड
किस पर करेगा वो फॉर्मूला ज़्यादातर आपका डिपेंड इसी पर करने वाला है कि आप लोग उस अक्स को कहाँ ले रहे हो, तल के लंबवत ले रहे हो। यानी सबसे मुख्य बात जो आप लोगों को इसमें ध्यान रखने की होगी वो यही अक्स होगा। यदि इस एक्स की पोजीशन आप लोग चेंज कर देते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ बता रखा है कि ये लंबवत है, यदि ये लंबवत नहीं होता, तल में होता, तब आपका जड़त्व आघूर्ण आपको कुछ और प्राप्त होता। जैसे देखिए अपने आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ हमारे पास में क्या आ गया है, दूसरा फॉर्मूला आ गया है I इक्वल 3/2 एम आर स्क्वायर। ये इसी के समांतर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था, 3/2 एम आर स्क्वायर। आगे इसमें देखते हैं कि शक्ति के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान, तीसरा फॉर्मूला इसमें देखते हैं, शक्ति के व्यास के सापेक्ष, शक्ति के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान। अपने को वही शक्ति लेनी है, पर अब की बार अपने जड़त्व आघूर्ण का मान जो है वो किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, व्यास के सापेक्ष यदि जड़त्व आघूर्ण का मान आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, शक्ति को बनाओगे। जैसे ये अपने पास में क्या है, वो शक्ति है, और ये शक्ति के तल में स्थित है, जिसमें वो तल है, एक्स वाई तल है। ठीक है, और ये मैं एक्स एक्स लिख देता हूँ, एक्स एक्स डैस, ये वाई वाई डैस लिख देता हूँ, ये ओ है, ये इसकी त्रिज्या आर है, और इस एक्स के सापेक्ष एक्स एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई एक्स, और वाई के सापेक्ष लिख देता हूँ आई वाई से। आपको व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो इन दोनों के तल के लंबवत जो अक्ष है, ये तल के लंबवत अक्ष है, ये कौन सा है, ये है जेड जेड डैश। तो जेड जेड डैश अक्ष जो है वो कहाँ है, इस शक्ति के तल के लंबवत स्थित है। शक्ति के तल के लंबवत अक्ष कौन कौन सा है, वो है जेड जेड डैश। आपको व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर जो लंबवत अक्षों की परमे उसको अपने काम में लेंगे, पर उससे पहले देखिए कि ये शक्ति अपने पास में एक सममित आकृति होती है जिसकी त्रिज्या बराबर होगी सभी जगह से, तो आई एक्स और आई वाई जो है उसका मान क्या होगा, बराबर होगा, और मान लेते हैं वो किसके बराबर है, आई डी के बराबर है। तो अपना आई एक्स आई वाई किसके बराबर मान लिया हम लोगों ने, आई डी के बराबर मान लिया, या सीधा आई आप लोग लिख सकते हो, डी जो अपने लिख दिया, ये अपने बता रहे हैं कि व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान। तो देखिए अपने यहाँ क्या लिखेंगे, अपने लंबवत अक्षों के प्रमेय से लिखेंगे, लंबवत अक्षों की, लंबवत अक्षों की प्रमेय से, लंबवत अक्षों की प्रमेय लगाओगे आप लोग इसके अंदर, लंबवत अक्षों की प्रमेय लगाओगे तो आई जेड जो है वो किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। यहाँ ये यदि आप लोग देखो तो ये आपका मान आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर है, ये बराबर है आई डी प्लस आई डी के, यानी टू आई डी के, ये मान क्या है आपका, बराबर है, यानी टू आई डी बराबर है किसके, आई जेड के। यहाँ से आई डी किसके बराबर होगा, तो आई डी बराबर होगा आई जेड बटा टू के, किसके बराबर होगा, आई जेड बटा टू के बराबर होगा। अब अपने आई जेड का मान देखें, आई जेड क्या है, आई जेड अपने इन दोनों के तल के लंबवत जो अक्ष है उसके सापेक्ष क्या है, जड़त्व आघूर्ण है आई जेड, जेड जेड एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण वो कितना आया था, बिल्कुल शुरुआत में फर्स्ट फॉर्मूला जो आया था अपना, वो आया था एम आर स्क्वेयर बटा दो। तो ये जड़त्व आघूर्ण कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 गुणा 1/2 एम आर स्क्वेयर, यानी अपना फॉर्मूला बनेगा 1/4 एम आर स्क्वेयर। तो तीसरा जो जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त होता है आप लोगों को वो कितना मिलता है, वो मिलता है आई इक्वल 1/4 एम आर स्क्वेयर। ये व्यास के सापेक्ष है तो इसको मैं आई डी से लिख देता हूँ, 1/4 एम आर स्क्वेयर, ये तीसरा फॉर्मूला हमें इसमें प्राप्त हो जाता है। चौथा फॉर्मूला देखिए, चौथा फॉर्मूला अपने इसके लिए निकालेंगे कि शक्ति के तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, शक्ति के तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण।
चौथा फॉर्मूला शक्ति के तल में स्थित, शक्ति के तल में स्थित स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय अक्ष की सापेक्ष जड़त्व आवक कहाँ ज्ञात करना है? शक्ति के तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आवक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर देखेंगे कि आपका स्पर्श रेखीय अक्ष होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए तल में स्थित। तो आप नया डायग्राम यहाँ पर बनाओगे, एक नया डायग्राम यहाँ पर हम लोग बनाएंगे और मानेंगे कि एक अक्ष जो आपका है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है शक्ति के तल में। तो अपने ये इसका डायग्राम बना लेते हैं और एक अक्ष मान लेते हैं इस तरीके से है जो शक्ति के तल में स्थित है और ये इसके समांतर अक्ष स्थित है, ठीक है। ये जो आपका एक्स है ये वही है आईडी जिसके लिए हम लोगों ने ज्ञात किया था और इसके समांतर जो अक्ष है उसके सापेक्ष अपने को क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। कोई नाम इनका लिख देते हैं, जैसे ये एक्स और वाई यदि मैं इसे लिखूं तो ये वाई वाई डेस बन जाएगा और इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, एम एन पी क्यू आर एस टी, अभी कोई डायग्राम सामने आया नहीं तो इसका नाम मैं ए बी लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो दूरी है इसे मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल आर है। इसका द्रव्यमान हम लोग पहले ही मान करके चल चुके हैं कितना है, कैपिटल एम है। तो शक्ति के तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष यदि जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना हो तो यहाँ भी आप लोग क्या लगाओगे, समांतर अक्षों की प्रमेय लगाओगे। तो आप लोग लिखोगे समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की, समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर। तो देखिए इसमें समांतर अक्षों की प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समांतर अक्षों की यदि प्रमेय लगाई जाए तो अपने पास में जो आई ए बी है, आई ए बी किसके बराबर आएगा, आई ए बी बराबर आएगा अपने आई वाई वाई डेस प्लस एम आर स्क्वेयर के बराबर। आई वाई वाई डेस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना है वो अपने ज्ञात कर चुके हैं। तो आई ए बी बराबर कितना, एक बटा चार एम आर स्क्वेयर प्लस एम आर स्क्वेयर, ठीक है। इसे सोल्व करो तो पाँच बटा चार आ जाएगा, देखिए चार एलसीएम बनेगा यहाँ और ये आएगा एम आर स्क्वेयर प्लस फोर एम आर स्क्वेयर और कितना आ जाएगा, पाँच बटा चार एम आर स्क्वेयर, ठीक है। तो अपने पास में जो चौथा इसका फॉर्मूला आने वाला है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पाँच बटा चार एम आर स्क्वेयर। आई इक्वल पाँच बटा चार एम आर स्क्वेयर, ये चौथा फॉर्मूला जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा पाँच बटा चार एम आर स्क्वेयर के रूप में। तो आप लोग देख सकते हो कि एक शक्ति के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान किस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो शक्ति के अंदर अपने चार जगह जो जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात किया, ज़्यादातर आकृतियों के लिए अपने ऐसे ही कर रहे हैं जैसे वलय के लिए किया था। तो जड़त्व आघूर्ण के अंदर आप लोग देखना है, अगर एक ही डायग्राम से आप लोग समझो इसे, तो ये तो आपके पास में कोई एक शक्ति है और ये इसके अक्ष है और मान लेते हैं कि शक्ति कौन सी अक्ष में स्थित है, एक्स वाई अक्ष में स्थित है और ये जो है ये कहाँ है, ये शक्ति के तल के लंबवत अक्ष है। जेड जेड एस एक्स जो है वो कहाँ है, शक्ति के तल के लंबवत अक्ष है जो इनके कटान बिंदु से होकर के गुजर रहा है। यानी आपके पास में मान देखिए क्या आएगा, इस तरीके से मान आएगा जेड जेड डेस, ठीक है। तो ये आपके पास में टोटल मान आ जाएंगे और ये यहाँ जो आपके पास में है ये क्या है, इस शक्ति का केंद्र ओ है। तो अब आप लोग इसके अंदर देख सकते हो कि टोटल डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड तीन एक्स है, दो एक्स
जो है एक्स और वाई उसके तल में कुंडली है और जेड एक्स जो है वो कहाँ है कुंडली के तल के लंबवत अक्ष है। अब यदि आप लोग इस डायग्राम से देखें कि आपने कहाँ कहाँ जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात किया है, तो सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण का मान आप लोगों ने इस अक्ष के सापेक्ष किया है, ये जो जेड जेड एस एक्स है इसके सापेक्ष आप लोगों ने जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात किया है, यानी जो कुंडली के तल के लंबवत है और उसके केंद्र से होकर के गुजर रहा है उस अक्ष के सापेक्ष आप लोगों ने जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात किया है, जो कितना आया था एम आर स्क्वायर बटा दो। दूसरा जो आपने ये जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया है ये इसी तल के जो लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष, इसी तल के लंबवत स्थित है ये अक्ष भी, ठीक है, ये जो आपके पास में एक्स वाई तल है इसके लंबवत है ये तल भी, ये एक्स जो है ये एक्स वाई तल के लंबवत है, यानी ये समांतर है किसके, जेड जेड डैश के, जेड जेड डैश एक्स के समांतर अक्ष है ये, जिसकी त्रिज्या कितनी है आर है, उसके सापेक्ष आप लोगों ने ये जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया है। जैसे यदि मैं इसका नाम लिखूं ए और बी, तो इस ए बी के सापेक्ष आपने क्या किया है जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात किया है। तीसरा इसमें लिखा गया है आई डी इक्वल एक बटा चार एम आर स्क्वायर, ये व्यास के सापेक्ष है, यदि ये आप लोग व्यास मानते हो यहाँ से यहाँ तक तो ये इसके सापेक्ष है, या इसे मानते हो तो ये इसके भी सापेक्ष है, जितने व्यास है उन सभी व्यासों के सापेक्ष है, व्यास हमेशा तल में स्थित होता है और ये इन व्यासों के लंबवत है। जैसे यदि इस व्यास को लेकर के चले अपने, तो ये जो अक्ष यहाँ पर है कुंडली के तल में स्थित, कोई भी नाम लिखें एम एन, यदि इसका नाम लिखूं तो इस एम एन के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात किया है, ठीक है। इस तरीके से अपने क्या किया है इन चार जगह जड़त्व आघूर्णों का मान ज्ञात किया है। आगे बढ़ते हैं अपनी और बात करेंगे एक ठोस बेलन की, कि ठोस बेलन जो है उसका जड़त्व आघूर्ण हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेलन, ठोस बेलन के एक्स के सापेक्ष ज्ञात करेंगे हम लोग, देखिए अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण, ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण, ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण, ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण। अपने पास में कोई एक ठोस बेलन है और इस ठोस बेलन का क्या करना है आप लोगों को जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले जो जड़त्व आघूर्ण इसमें अपने ज्ञात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेलन के अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, बेलन के जो अक्ष है उस अक्ष के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, बेलन की अक्ष के सापेक्ष, बेलन की अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, बेलन की अक्ष जो है उसके सापेक्ष हम लोग जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलन मानना पड़ेगा, जैसे ये अपने पास में क्या है एक बेलन है, सबसे पहले एक बेलन हम लोगों ने इसमें मान लिया है, ये बेलन की वो अक्ष है जिसके सापेक्ष हम लोग क्या करना चाहते हैं जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस अक्ष को कोई एक नाम लिख देते हैं और इसके सापेक्ष ही अपने क्या करेंगे जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं बेलन जो है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और इसका कुल द्रव्यमान जो है वो कितना है कैपिटल एम है, कुल द्रव्यमान कितना है कैपिटल एम है और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से ये जो त्रिज्या है ये कितनी है कैपिटल आर है, ठीक है। और अब अपने क्या करते हैं इसके अंदर कल्पना करते हैं कि कोई एक शक्ति इसके अंदर स्थित है, शक्ति की कल्पना अपने इसलिए कर रहे हैं कि ठोस बेलन है ये, यदि आप लोग बहुत सारी शक्तियों को क्या कर देते हो आपस में मिला देते हो, यानी अपना जो ठोस बेलन है इसको बनाते समय हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत सारी शक्तियाँ ले सकते हैं और
उन शक्तियों को यदि एक दूसरे के ऊपर लगातार रखते जाएं तो अपने पास में क्या बन जाएगा, एक ठोस बेलन बन जाएगा। या आप ये मान सकते हो कि ये ठोस बेलन जो है वो सीधा किससे मिलकर के बना हुआ है, शक्तियों से मिलकर के बना हुआ है। यदि आप इसे ऐसे काट दोगे तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, बहुत सारी शक्तियाँ जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इन्हीं में से एक शक्ति जो है वो बेलन के अंदर स्थित है, ये इसकी कोई एक क्या है, शक्ति है। त्रिज्या ये वाली तो आ रही आएगी, और शक्ति का द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, डी एम है। तो अब अपने क्या करें, जो एक्स बना रखा है उस एक्स के सापेक्ष यदि आप लोग देखो, यानी डी एम द्रव्यमान की आपके पास में कोई एक शक्ति है, और उस शक्ति का आप लोग क्या कर रहे हो, जड़तो आघूर्ण ज्ञात कर रहे हो। किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हो भाई, वो ज्ञात कर रहे हो जेड जेड डैश एक्स के सापेक्ष, कि ये जो शक्ति आपके पास में है इस शक्ति का जेड जेड एस एक्स के सापेक्ष जड़तो आघूर्ण। तो आप लोग इसमें लिख सकते हो जेड जेड एस एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष शक्ति का जड़तो आघूर्ण, ठीक है। तो देखिए इसमें अपने क्या लिखा है, जेड जेड एस एक्स के सापेक्ष शक्ति का जड़तो आघूर्ण। जेड जेड एस एक्स इसमें देखिए कौन सा है, ये जो एक्स आपको दिख रहा है ये कौन सा एक्स है, इसका जेड जेड एस एक्स है। इस एक्स के सापेक्ष आप लोग जड़तो आघूर्ण ज्ञात कर रहे हो। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूले व्युत्पन्न किए थे, तो चार जगह जड़तो आघूर्ण ज्ञात किया था शक्ति के लिए, तो उसमें से जो सबसे पहले ज्ञात किया था वो किया था शक्ति के केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़तो आघूर्ण का मान, जो कितना आया था, वो आया था आई जेड जेड एस, ठीक है, आई जेड जेड एस एक बटा दो एम आर स्क्वेयर, एक बटा दो एम आर स्क्वेयर अपने को प्राप्त हुआ था। तो ये कितना आएगा, एक बटा दो डी एम आर स्क्वेयर प्राप्त होगा, एक बटा दो डी एम आर स्क्वेयर हम लोगों को प्राप्त होगा। अब अपने संपूर्ण बेलन का यदि क्या करें, जड़तो आघूर्ण देखें जेड जेड एस एक्स के सापेक्ष संपूर्ण बेलन का, संपूर्ण बेलन का, संपूर्ण बेलन का जेड जेड एस अक्ष के सापेक्ष, जेड जेड एस अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष जड़तो आघूर्ण, ठीक है। यदि अब अपने संपूर्ण बेलन का जड़तो आघूर्ण ज्ञात करना चाहे तो अपने कैसे ज्ञात करेंगे, अपने ये मानकर के चलेंगे कि हमारे पास में एक शक्ति की बजाय क्या है, बहुत सारी शक्तियाँ, यानी अपना बेलन जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, अनेकों शक्तियों से मिलकर के बना हुआ है, ये कंप्लीट शक्तियों से मिलकर के बना हुआ है। तो यदि अपने इसका समीशन कर देते हैं, जो अपने सबसे पहले फॉर्मूला निकाला है, तो आपको सभी शक्तियों का मिल जाएगा, सभी शक्तियों का मतलब होगा संपूर्ण बेलन का मिल जाएगा, यानी आपके पास में ये जो फॉर्मूला है इसी का आप लोग क्या कर दोगे, समीशन कर दोगे, तब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको टोटल जड़तो आघूर्ण का मान मिल जाएगा। इसे डी के साथ में लिखना, क्योंकि ये डी के साथ में लिखा है, तो डी आई जेड जेड। तो अब संपूर्ण बेलन का जड़तो आघूर्ण जब ज्ञात करेंगे तो ये आई जेड जेड और समीशन एक बटा दो डी एम आर स्क्वेयर आएगा। अब देखिए एक बटा दो आर स्क्वेयर का तो समीशन होने से रहा, समीशन सिर्फ किसका होगा, जो डी एम हम लोगों ने लिख रखा है इसका होगा, ठीक है। और इसका यदि अपने समीशन किया जाए तो यानी अपने पास में एक शक्ति है और इसे सभी शक्तियों के लिए देखा जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल एम के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये बेलन का द्रव्यमान होगा और बेलन का द्रव्यमान कितना है हमारे पास में, बेलन का द्रव्यमान हमारे पास में है कैपिटल एम। तो जेड जेड एस एक्स के सापेक्ष यदि बेलन में जड़तो आघूर्ण का मान आप लोग देखोगे तो कितना आएगा, आई इक्वल एक बटा दो एम आर स्क्वेयर आएगा, एक बटा दो एम आर स्क्वेयर जड़तो आघूर्ण जो आप लोगों को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन के अक्ष के सापेक्ष यदि जड़तो आघूर्ण ज्ञात करना हो आपको तो वो हमारा कितना आ जाता है, वो आ जाता है एक बटा दो एम आर स्क्वेयर। इसी टॉपिक में अपने आगे एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो आता है बेलन की अक्ष के समांतर स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़तो आघूर्ण का मान, बेलन की अक्ष के समांतर स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़तो आघूर्ण का मान। दूसरा है बेलन के
या बेलन के अक्ष के समांतर, बेलन की अक्ष के समांतर, बेलन की अक्ष के समांतर समांतर स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़तो आगो। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को बेलन की जो अक्ष है उसके समांतर क्या करना है, उसके समांतर अक्ष के सापेक्ष जड़तो आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो ये सामने जो डायग्राम दिख रहा है इसी को अपने सोल्व कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ से नया डायग्राम बना सकते हो और नए डायग्राम के अंदर भी आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो इसी डायग्राम में भी आप लोग इसे सोल्व करके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। तो इसी डायग्राम को सोल्व कर लेते हैं, अपने जो सामने आपको दिख रहा है इसी में बना लेते हैं। तो बेलन की अक्ष के समांतर लेना है, तो बेलन की अक्ष जो जेड जेड डैश है वो क्या है, यहाँ पर बेलन की अक्ष है, इसी के समांतर अक्ष लेनी है। तो ये क्या हो जाएगी, इसके समांतर अक्ष हो जाएगी, ये जो अक्ष है ये क्या है, इसके समांतर अक्ष है, ये अक्ष जो है क्या है, इसके समांतर। कोई नाम लिखता हूँ मैं इसका, जैसे ए और बी या पी और क्यू जो आपके पास में है, ये क्या है, बेलन की अक्ष के समांतर अक्ष है। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी जो है वो जेड जेड एस एक्स जो है इसके समांतर एक अक्ष है। इन दोनों के मध्य दूरी, इन दोनों के मध्य दूरी किसके बराबर है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो कैपिटल आर के बराबर है, और बेलन का कुल द्रव्यमान जो है वो कितना है, कैपिटल एम है। यानी बेलन का कुल द्रव्यमान कितना ले रखा है हम लोगों ने, कैपिटल एम ले रखा है। तो यहाँ से यदि आप लोग जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करते हो तो देखिए कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे समांतर अक्षों की, समांतर अक्षों की प्रमेय से, क्या लिखोगे, समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय लगाओगे आप लोग तो क्या आएगा, ये आएगा आई ए बी इक्वल आई जेड जेड एस प्लस एम आर स्क्वेयर, यही तो आएगा। यानी समांतर अक्षों की प्रमेय अपने को यह बताएगी कि आई ए बी किसके बराबर आएगा, आई सी एम प्लस एम बी स्क्वेयर के बराबर आता है। आई सी एम इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, तो जेड जेड एस जो है वो कहाँ से होकर के गुजर रहा है, बेलन के द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजर रहा है। तो ये आई जेड जेड एस जो है ये क्या है, बेलन के केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, और इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। प्लस कितना आएगा, एम आर स्क्वेयर आएगा, क्योंकि आर जो है वो डी जो हम लोग दूरी लेते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय में उस डी के बराबर है। तब अपने पास में मान देखिए क्या आएगा, आई ए बी इक्वल आई जेड जेड, अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला आया था वही इसमें लगेगा, ए बटा दो एम आर स्क्वेयर प्लस एम आर स्क्वेयर। तो ये आई ए बी जो है किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से इनको जोड़ोगे ये ए का ये आधा है, तो ये तीन बटा दो बन जाएगा आपका, तीन बटा दो एम आर स्क्वेयर। तो मान कितना आ जाएगा आपके पास में, मान आ जाएगा आपके पास में तीन बटा दो एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तीन बटा दो एम आर स्क्वेयर जो है आपके पास में जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग दो जगह बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कर चुके हैं, एक तो इसके बिल्कुल जो अक्ष है उसके सापेक्ष, और एक इस अक्ष के समांतर अक्ष जो है उस समांतर अक्ष के सापेक्ष भी जड़त्व आघूर्ण हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। तो एक तो जड़त्व आघूर्ण आपके पास में कितना आ रहा था, एक तो आ रहा था एक बटा दो एम आर स्क्वेयर, इसके सापेक्ष तो कर रहे थे तो कितना आ रहा था, एक बटा दो एम आर स्क्वेयर आ रहा था, और इस दूसरे के सापेक्ष जैसे इसके सापेक्ष देखें तो तीन बटा दो एम आर स्क्वेयर आप लोगों को प्राप्त हो रहा था। तो जड़त्व आघूर्ण के दो मान, एक बटा दो एम आर स्क्वेयर और दूसरा तीन बटा दो एम आर स्क्वेयर बेलन के लिए प्राप्त हो जाते हैं। एक तो आता है जेड जेड एस एक्स के सापेक्ष जो इसके द्रव्यमान के अंदर से होकर के गुजर रहा है, और दूसरा जो जड़त्व आघूर्ण आ रहा है वो आ रहा है ए बी एक्स जो इसमें बना रखा है, ये ए बी एक्स, इस ए बी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ए बी जो है वो क्या है, इसके समांतर एक्स है, इसके जो ये अक्ष है इस अक्ष के समांतर गुणन अक्ष है, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो दो जगह बेलन के लिए ज्ञात कर लिए, दो जगह बेलन के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे, एक तो ज्ञात करेंगे अपने इसमें बेलन की लंबाई के लंबवत, बेलन की लंबाई के लंबवत अक्ष जो इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजर रही है, यानी ये जो अक्ष है, ये जो अक्ष है इसके लिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और एक जो ये वाला अक्ष आएगा इसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे।
ठीक है, तो नया डायग्राम बनाएंगे उसमें सिर्फ इन दोनों को ही बनाएंगे, तो एक साथ यदि बनाना हो तो ये चित्र बनेगा। इस चित्र में ये तो अपने किसके सापेक्ष आ गया, ये तो आ गया आपको जो एक्स है उसके सापेक्ष, और ये आ गया एक्स के समांतर अक्ष के सापेक्ष, ये आ गया एक्स के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, और ये लंबवत अक्ष के समांतर अक्ष के सापेक्ष जो स्पर्श रेखा अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हैं, चाहे वो वलय के लिए हो, चाहे वो चक्ति के लिए हो या बेलन के लिए हो, आगे गोला और पढ़ेंगे और एक इसके अंदर पढ़ेंगे अपने छड़, जिसकी वजह से जड़त्व आघूर्ण का जो मान आएगा उसे आपको रखना होगा याद। यानी जितने भी फॉर्मूले जड़त्व आघूर्ण के आते हैं उनको आप लोग याद रखोगे और उसकी सहायता से एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इन्हें इनका जो बचा हुआ पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।